रात्रि आज है नवमी और मैं यहाँ पर सुबह सुबह उठ रही हूँ पारण का खाना बनाने के लिए, हवन का खाना मतलब कन्या को खाना खिलाने के लिए। तो चलिए फटाफट मैं काम कर लेती हूँ और आप उसे ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से नवमी का। आई होप कि आप लोग सुबह के बज रही है अभी 7, बाबू बिल्कुल रात में सोने नहीं दिया, यहाँ खुला खुला सा लग रहा है, फिर ब्लॉग नोट के बनाना है। तो अभी छोला आलू वाली बेच रहा है और ब्लॉग को यहाँ से कर दिए हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट, फटाफट बना लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे कर लेने। तो जल्दी जल्दी में दोनों सब्जी एक बार बना रहे, आलू बैंगन मूली की सब्जी और यहाँ छोले की सब्जी, दोनों एक ही साथ 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 फ्राई कर रहे हैं। दोनों सब्जी होने वाली है जी, पंडित भी आ गए हैं आज, नहाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, कैसे नहा? तो आलू बैंगन की सब्जी होता है, टमाटर मूली के साथ काफ़ी टेस्टी होता है, धनिया पत्ता डाल के। तो इसमें हम डाले हैं सरसों, धनिया, लहसुन और जीरा बुलकी के मसाला, धनिया मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और बाकी लास्ट में किचन की। मेरा बैंगन आलू की सब्जी रेडी, इनका फेवरेट बोल सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट है ना कि हर रोज़ खाना चाहते हैं। तो 9 दिन का फास्ट होने के बाद सबसे फेवरेट सब्जी और पराठा या पूरी खाते हैं साथ में। तो मैं सबसे पहले ये आलू का छिलका बिना निकाले हुए सब्जी बनाने पर काफ़ी टेस्टी होता है, तो यहाँ पे मैं बना ली हूँ। उसके बाद फटाफट आ गई हूँ नहा धोवा के जल्दी जल्दी रेडी होने, क्योंकि पंडित जी आ गए थे। छोला तो मैं आधा पड़ी छोड़ के आ गई हूँ, उसका मसाला फ्राई हुआ है, प्याज को धीमी आँच में जो ग्राइंड करके डाले हैं उसको छोड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं फटाफट हो गई हूँ, आ गई हूँ रेडी, क्योंकि हवन के लिए मैं सोची चलो अब हवन कर। तो ये है मेरा कुछ फाइनल लुक, ये मेरा भाई लेके आया था साड़ी, मम्मी भेजी थी, चुंदरी प्रिंट में साड़ी है, तो मैं आज यही पहन रही हूँ, कुछ भी मेकअप नहीं की, बस ऐसे ही फटाफट रेडी हो गई। तो चलिए ब्लॉग्स में बने रहिए, कितना हेक्टिक शेड्यूल, खाना, बाबू को देखना, फिर से पूजा, तो कुछ भी करने में नहीं बन रहा, बस जैसे तैसे हुआ मैं तैयार हो गई हूँ, पंडित जी पूजा कर रहे, जा रही हूँ। चलो आ जाओ, सिंदूर लगा ले, सभी मालाओं में हाथ लगा दो भैया, हम जा उधर ही चल कर के उधर के पास आप कर लीजिए। तो क्या करके आ गया बदमाश, तो हम दरसे हम धूप पर जो आ गया बदमाश, हो तो बदमाश अंधो, ये देखो देखो क्या कर, छी छी रामला, गंदू गंदू हो गया तू, यही पूजा होगा, बैठो थोड़ा सिंदूर फूल चढ़ा देंगे आज हम, मम्मी है क्या बोले बताया था आज बच्चे शाम का कुछ नहीं कर रहे, मतलब आज बच्चे अभी सो के उठाता है, इसलिए अभी गलत टाइम पे ना उठ गया, खाना तो बन जाता, रात भर एक मिनट भी जो सोना होता है ना नहीं, रात भर हम लेके इसको गोद में घुमाए, रात भर जगाया है, हम दूर से गाय बुदाई से कैसे से था कुछ की सूजी सूजी सी, हां नहीं सोया है, ये सोएगा अभी थोड़ा देर बाद सोएगा, अगर दुकान जाते हैं दुकान जाते हैं सब आराम दे, अभी सोएगा तभी कुछ हो पाएगा। दीपक दिखा दो भैया, मगर जो दे नहीं सोया है, कुछ सोया सुगंध दी गंध दी, आ जाओ पंडित जी के पास बैठ जाओ, जा पंडित जी के पास, तेरी बगल तेरी बगल इधर देखो, हाथ लगाई हरी मान आप
सो गाइस, तो हम लोग से 9 दिन से जो भी पार लगा श्रद्धा से माता रानी की पूजा की और आज है नवमी। तो आज माता रानी की हम लोग फाइनली विदाई एक तरह से आज ही हो जाता है, हवन करेंगे। तो ये पूजा कर ली, उसके बाद मैं माता रानी को सिंदूर लगाई हूँ, फिर मैं खुद लगाई हूँ और बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बुद्धि ज्ञान सुख शांति और समृद्धि। कहीं नहीं जाना है समझे। हवन करेंगे बेटा, हवन करोगे आज? चलो हवन करेंगे, करवा देंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। फाइनली पूजा हो गई है, अभी हम लोग हवन करेंगे। मंगलसूत्र भी नहीं पहने हैं, जल्दी जल्दी लंबा वाला। पंडित जी इस पे ईटा रख के बहुत लोग करवाते कि पक्का गर्म ठंड गर्म हो जाता है। जी हाँ, सब व्यवस्था हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक, आपका नाम खाना पैक करके वहाँ मंदिर पर दे आएंगे। ठीक है, कोई रहता है मंदिर पे? उसको पकड़ ले बेटा, तो नहीं रहता, लेकिन पंडित जी अपना ले लेंगे खाना, चिंता मत कर। ठीक है, तो हम दे देंगे जब फ्री होंगे, जब आप खाना खा लीजिए। बाहर छोड़ दो, बाहर चम्मच उठा लो। विष्णुवे नमः कर्तव्य ओंकृतदेतांदाय नमः, ओमग्रहे स्वाहा, ओमग्रहे नमः, ओम ज्येष्ठाय स्वाहा, ओम ज्येष्ठाय नमः, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम रुद्र, ओम देवसेनानां जयन्तीनां जयन्तीनां वर्धयतु स्वाहा, ओम जयति मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमासी वदति स्वाहा, स्वाहा नमो सदे स्वाहा, ओम जयतम देवी चामुण्डे जय भूतार्ति हरिणी जय शकटे देवी कालरात्रि नमस्ते स्वाहा, ओम ऐशानासी वत्सानां सुदे नमः, रूम देहि जयं देहि शकटे देवी स्वाहा। आप सामग्री ले लो हाथ में। बीच में रख देना भैया, ठीक है, सामग्री छोड़नी है सारी की सारी। ओम पूर्णादर्विवराहपदसुपूर्णापूनरापदापूर्णसेवकृणावहमूर्जकुंशरकृतोपूर्णञ्चदेपूर्णहुद्रम स्वाहा। बोलियज्ञनारायण भगवान की जय। घी उठाओ भैया। वसुधारम्भशभुरभुसुरभुदमशुभिक्षतम्भशुधाराय नमः स्वाहा। बोलियज्ञनारायण भगवान वीकजायपुरुगाय वीकजं मे सुखं मेघाय मेख्यै। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी तुम गो निषद ध्यावत मैया जी गोषादा मनागत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराज तटी गो मृग मद गो यटी गो गो उज्ज्वल से दो नैन निरमल से दो नैन चंद्रवतन निगो। ओम जय अम्बे गौरी गुरुगाय वेकजमे सुखम मेघाय मेख्यै। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा पुष्पकलमाला लाल पुष्पकलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी गे हरि वाहन राजत खड़ग कपर धारी मैया, खड़ग कपर धारी जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती या नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक दिवाकर राजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभरि शुंभवि राजत महिषासुरधल मजीरा अरुवाजत डमरु। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग के माता तुम ही हो भरता। ओम सर्वाबाधा निर्मुक्तो धनं धान्यं सुमन् कामं शिवप्रसादेन भविष्यति संशयः। ओम आशीष्यते लक्ष्मीश्च।
ओम श्री शरे लक्ष्मी शवर्ण्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपवस्मिनौ यात्तम इष्टं निखाणा ओम इखाणा सर्वलोकम इखाणा व्रताय दीक्ष यमुवाप्नातु श्रियमाप्यते शर्मा थी लाओ यार आप अपने माथे में लगाइए गले में लगाइए भैया भी लगाओ अपने गले में ओम मां भुवनंतु मादेवजनाः भवतु लक्ष्मी प्राप्तो दीर्घम् आयुः भवतु रोगं नाशयन्तु सौभाग्यं भवतु कल्याणं भवतु दीर्घम् आयुः भवतु धनं धान्यं भवतु आरोग्यं भवतु। पंडित जी की दक्षिणा लाइए, संकल्प कीजिए। आंटी जी पकड़ दो इसको, बच्चे को। आंटी तो एक मिनट आ जाइएगा। ए बेटा इधर देखो, आंटी ले ली, ये लो, ये ना सर, आज नामी के ये ना बोलेगा हमने कि जल्दी जी दुर्गा सप्तशती पाठं पूजनं करिष्यामहि हरिः ओम। आज जाग्रत दूरमुदैति दैवं तस्य तदै वैति दूरंगमं ज्योतिहं ज्योतिरेकं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। संकल्पसिद्धे संकल्पसिद्धे अश्वभुस्थिरस्तु तुष्टिरस्तु सुभगतु श्वानि भवतु। पैर भी रंगा जाता है लेकिन पैर नहीं रंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे ना सुबह कन्या खिलाने के लिए खाना बनाए, उसके बाद पंडित जी को खिलाए। मैं अकेली सब कुछ मैनेज कर रही थी तो मैं आधा चीज़ सूट नहीं कर पाई, फिर इनको खिलाई तो खाना मेरा खीर पूरी और दो रंग की सब्जी मैं बना ली थी। और ना कल मैं खोचा पड़ी थी तो साड़ी होता ना खाना इतना टेस्टी बना, वो नहीं कभी बोले कि खिलाया सुबह अपना का सो रहा आराम से। खाना टेस्टी बना था और नींद जैसा आ रहा एकदम। रात्रि का आज नवरात्रि समापन हो गया, हम लोग का मुर्दान वगैरह भी हो गया, पंडित जी आए थे पूजा करा के गए हैं अभी, और हम पालन भी कर लिए, खाना भी खा लिया। तो इस सालों के जितने भी व्यूअर्स हैं आपका उसको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग चल रहे हैं कन्या खिलाने के लिए, कन्या खिलाने के लिए सालों खाना मंगवा लिए और घर पे कन्या खाना कन्या जो खाए थे खिलाना है था उसके लिए सालू खुद बनाई थी। अब बाहर जो मंदिर के पास जो सब कन्याएं बैठी हुई हैं उनके लिए खाना ऑलरेडी मंगा लिया है। तो अब जा रही है खाना मंदिर के पास लेके चले जाते हैं। नहीं तो 9 बजे खाली 9 बजे 10 बजे चावल है, आलू की सब्जी, कोहरा की सब्जी, पता नहीं कि साबुदाना खीर, रायता, चटनी और चपाती है। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे, इनको खिला दिए हैं और अभी चल रहा है मंदिर पर ये प्रसाद वितरण करने के लिए कन्या के लिए। इतना काम कोई करेगा सुबह से उठ के खाना बनाया उसके बाद इतना मोटरी भारी लेके जा रहे हैं बांटने के लिए, आपका काम हम ही कर रहे हैं। बउआ को देखना है ना, चप्पल दे दीजिए मेरे को। धूप भी करा है ना,
कन्या को खिलाने के लिए ढूंढने से अच्छा है कि मंदिर पर सब लोग गरीब लोग कन्या को खिला दें जिसको जोड़ा था ना। तो अभी चल रहा है गाइस मंदिर यहाँ पे पास नहीं है वहीं पे चलते चलते थक जाना होता है। खाना बनाएं पूजा ये चल रहे फिर चल के जाना है। आज करा धूप है नहीं कहीं कहीं मौसम अच्छा भी है धूप भी है तो कब तक साड़ी कैसी लग रही है आप लोग बताना। अरे मैं इसे दे दो बेचारी को इसके छोटे छोटे बच्चे दीदी वो गाना है ना कि दुनिया में कितने गम है मेरा गम सबसे कम है ऐसा कुछ है वो गाना झूठ नहीं है। और आप देख सकते हो ये करके हमको काफ़ी खुशी मिल रही है। माता रानी हमको बस आशीर्वाद और दुआ दे कि मैं ऐसे ही सबको देते रहूँ करते रहूँ और सबको काफ़ी अच्छा लग रहा था। कन्या कहीं ना कहीं घर पे बुला के और उसको सेवा सत्कार करके खिलाने से कोई ज़्यादा अच्छा है कि अनाथ बच्चे को खिलाए और शांति भी मिलती है। बस माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसे ही देते रहे और मैं सबको परेशान करते रहूँ। मैं कोशिश करूँगी अब अपने से दो रोटी खाऊँ तो एक रोटी ज़रूर बांट लें। बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ और इस कड़ी धूप में मैं फाइनली सब कुछ करके आ गई। और बस बच्चे की वजह से ये इनके पापा रह गए थे घर पे क्योंकि बाबू को देखना था घर में और कोई सामान वाला नहीं था तो मैं फिर बस भागी भागी आई क्योंकि बच गई थी धूप दो। फाइनली कन्या पूजन करके आ गए सबको खिला पिला दिए सब लोग सो भी गए। माता की पूजा भी अच्छे से हो गई थोड़ा सा भागम भाग हुआ है अब पता है 2 बजने जा रहा है। तो अब मैं अपना खाना सोच रही हूँ खा लूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि फिर शाम को सोसाइटी में भी डांडिया का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी क्योंकि रात को बिल्कुल सोना नहीं हुआ सुबह से उठ के खाना पीना और उसके पहले बाबू बिल्कुल परेशान कर रहा था। तो अभी खाने में क्या क्या बनाया मैं बताती हूँ। खीर बनाई थी दूध वाली छोली और आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। तो ये है आज का लंच। अभी मैं थोड़ा खा भी लेती हूँ टाइम भी हो गया है और भूख भी लग गई है खाया तो जाएगा ना क्योंकि इतने थकावट हो गई है ना मुँह सवाल नहीं निकल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट थोड़ी देर में आप लोग से। तो यहाँ पे मैं हल्के बाबू को सुलाते सुलाते मैं सो गई थी लेट गई थी और अभी आज है डांडिया तो उसके लिए मैं जा रही थी रेडी होने के लिए फटाफट। तो चलिए ब्लॉग्स में बने रहिए शिवानी आई है मेरे को मेकअप करने डांडिया मेकअप करने। हो गया जय हो गया तुम्हारा खाने नहीं आता इसको इसको खाने नहीं आता जय कर लो जय। नवरात्रा के आज 9 डे है हवन हो गया है पूजा हो गई है और मैं ये वाली दुपट्टा डांडिया के लिए ड्रेस रेडी कर सो गए। तो ये ब्लॉग्स में फाइनल मेकअप लुक का शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। वीडियो पसंद